हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड निधि अग्रवाल। तो आज हम लेक्चर वन के पार्ट बी के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल टाइप्स एंड एप्लीकेशन। अब मैं आपके सामने माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के टाइप्स को डिस्कस करूंगी। इस पूरे लेक्चर में हम प्रिंसिपल के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और किस तरीके से माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन होती हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको डिस्कस करेंगे। इनिशियली क्योंकि मैंने ये लेक्चर आपका लेक्चर वन के नाम से पोस्ट किया हुआ है और इसका पार्ट ए मैं इससे पहले बता चुकी हूँ, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक दिख जाएगा अगर आप उसको रेफरेंस के फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो नाउ वी विल मूव इन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। सो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ वन पेन, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन माइक्रोस्कोप। Microscope is of your two types, light microscope and electron microscope. And the light microscope is what? When you consider a source of light, they require to given you a particular image of your object. That means, अगर आप किसी sample को देखना चाहते हैं और उसका light source के बिना आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो that all can visualize with the help of a light microscope. और इसके अंदर कुछ चार type के आपके microscopes आते हैं: ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में आपके दो कैटेगरीज आती हैं। दिस इज योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मूव फॉरवर्ड, अब हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्रॉडली, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बेसिकली वो या तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैटेगरी का होता है या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैटेगरी का होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हमको दो माइक्रोस्कोप के बीच में डिफरेंस समझना है विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, तो हम उसको इस डायग्राम की मदद से बिल्कुल ईजिली समझ सकते। तो दिस इज आवर लैम्प दैट विल गिव यू अ लाइट सोर्स for the light microscope and this is your condenser lens. Condenser lens, jaisa ki naam hi aapko bata raha hai, or that designate the purpose of that lens to condense that light which is come out from a lamp. Now after that, iske path mein aapka yahin par ek mechanical stage pe ek specimen rakha hai. Specimen that is your object jo ki aapke slide par aapne stick kiya hua hai, usko prepare kiya hua hai. Now ultimately you can see with the help of this light. Now this is our objective lens. अगर आपको मेरा कल का वीडियो याद है तो वहाँ पे मैंने आपको नोज पीस के ऊपर कई तरीके के ऑब्जेक्टिव लेंसेज बताए थे जो कि रिवॉल्व कर रहे थे उस पर्टिकुलर पोजिशन पे। तो दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंसेज पोजिशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस इज अ कॉमनली वर्ड यूज किया गया है। जिस तरीके का आपका व्यू स्टेज है, दैट मीन्स आप 10x पे व्यू कर रहे हैं या 40x पे व्यू कर रहे हैं या आप 60x पे व्यू कर रहे हैं, उस व्यू को आप ऑब्जेक्टिव लेंस में देख सकते, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ देख सकते। नाउ आफ्टर दैट दिस इज योर आईपीस। आईपीस, आप इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे रे डायग्राम को अगर आप माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप इसको इन्वर्ट कर दें, क्योंकि आप सबसे पहले आईपीस पोजीशन करते हैं, देन ऑब्जेक्टिव लेंस पोजीशन करते हैं, स्पेसिमेन लगाते हैं और फिर इसको अलाइन करते हैं आप अपनी इमेज को। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए कि किस तरीके से ये रे डायग्राम एक्चुअली काम करता है, क्योंकि विदाउट लाइट सोर्स ये कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने वाला है, दैट्स व्हाई वी आर इनिशिएटिंग दैट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ लैम्प, बिकॉज लैम्प विल गिव यू अ लाइट सोर्स ऑब्वियसली। अब यहाँ पर आपका आईपीस है, ये आईपीस है जो कि आपका ऑक्यूलर लेंस भी कहलाता है। दैट आईपीस मे हैविंग अ डिफरेंट पावर स्ट्रेंथ एज इन 10x और 15x, तो वहाँ पर भी आप लेंस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर वो आईपीस है जहाँ पर आप इसको यूज करें। नाउ अल्टीमेटली यू गॉट दैट इमेज, फाइनल इमेज दैट यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ योर नेकेड आई। तो ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप का काम करने का तरीका है। अगर आप माइक्रोस्कोप के व्यू से इसको देख रहे हैं तो यू जस्ट इन्वर्ट दैट पोजिशन। क्लियर, ये चीज मेरी याद रखिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। It is working principle is almost same in both the cases, लेकिन क्योंकि इसकी strength बहुत ज़्यादा है, इसका magnification हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसका resolution बहुत fine होगा, तो light microscope और transmission electron microscope में strength का difference आएगा। तो वो strength हम किस तरीके से enhance कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे समझने वाले। जैसे कि lamp
या लाइट माइक्रोस्कोप के केस में हमने लाइट सोर्स के फॉर्म में लैंप को लिया था जो कि हमको लाइट सोर्स प्रोवाइड कर, और इन केस ऑफ अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे एज अ लाइट सोर्स, यहाँ पे लाइट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है, तो यहाँ पे जो आपका सोर्स है उस चीज का दैट इज अ टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट जिसका की मेल्टिंग पावर आपका बहुत ज्यादा होता है, दैट इज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बीम. तो ये जो काम है दैट टंगस्टन फिलामेंट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ कैथोड दैट इज मूविंग इन दैट एरिया. अब ये जो एरिया है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे उस तरीके से उसमें पावर जनरेशन किया जाता है. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इसकी बीम को स्ट्रेट रखने के लिए कुछ लेंसेज लगाए जाते हैं जिनका पर्पज ही उनका नाम बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन को कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक बहुत बहुत हाई इंटेंसिटी में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके टंगस्टन फिलामेंट से निकल रहे हैं, इसको अलाइन करने के लिए आपको एक नेगेटिव पोल चाहिए जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे. मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ. एनोड इज वॉट समथिंग विच इज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एनायन मूव्स टूवर्ड्स एनोड. एनायन इज वॉट, एनायन इज अ नेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन नेचर, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम अ कैथोड, दैट्स वाई दे आर जस्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ एनोड. क्लियर? ये बातें हम और आगे के ट्यूटोरियल्स में और क्लियर समझेंगे. और अगर ऐसा होगा, अगर आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं अभी, क्योंकि अगर मैं इन टॉपिक्स के ऊपर या फिर कैथोड और एनोड के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करूँगी तो यहाँ पर मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं चाह रही. नाउ अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो सेपरेटली. नाउ आफ्टर दैट, ये जो कंडेंसर लेंस है ये उसको कंडेंस करने का प्रोसेस करता है, जैसे कि यहाँ पे कंडेंसर लेंस था जो कि उसकी लाइट को कंस्ट्रक्ट कर रहा था. द सेम, जैसे यहाँ पे इसके डायरेक्शन में और इसके पाथ में यहाँ पे स्पेसिमेन को प्लेस किया गया था, द सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी यहाँ पर स्पेसिमेन को प्लेस किया जा रहा है. नाउ आफ्टर दैट दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं, वो भी आपका मैग्नेट का लेंस बना हुआ. नाउ अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज गोइंग डाउन साइड एज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्टर लेंस मैग्नेट. उसको प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर नेकेड आई से नहीं देख रहे हो, आपको फाइनल इमेज मिलेगा ऑन ए स्क्रीन, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ऑन अ मॉनिटर, तो उस चीज़ को करने के लिए आप एक प्रोजेक्शन अलाउ करते हैं वहाँ पे, जो कि उस पूरे विजुअलाइजेशन को आपको एक पिक्चर के फॉर्म में, एक वीडियो के फॉर्म में, एक स्लो मोशन वीडियो के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करते हैं. नाउ फाइनली यू गॉट दैट इमेज, पर इस इमेज को आप रेडियो एक्टिवली भी प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर आपने वहाँ पे डाइस का यूज किया हुआ है तो आप उसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन के फॉर्म में और फ्लोरेसेंट इमेज के फॉर्म में भी ऑप्ट कर. ये आपका फाइनल डिटेक्शन है कि आपने वहाँ पे किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है. इसको भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में, जहाँ पर हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे या फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. नाउ द नेक्स्ट, तो आफ्टर सीइंग दैट मच इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड डिफरेंस बिटवीन द लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फर्स्टली वी शुड नीड व्हाट इज अ पर्पस टू स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोप. इतना कुछ देखने के बाद हमको ये गोल समझ में आना चाहिए कि माइक्रोस्कोप की स्टडी की ही क्यों जा रही है, या फिर इसको इतना डिटेल में जाने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर जो हमारी स्टडीज है उनका क्या बेनिफिट होगा. So what is the purpose for the study of microscope? So the one in a very broad line, biochemical analysis. Biochemical analysis, the words clearly indicates when you are talking about the biologically using chemicals properties of any object. Okay, I will clear you in a very simple words. For example, by microscopic examination of a tissue, cell or organelle preparations, that means this one. Clear? Organelle preparation, for example, अगर आप biochemistry के student हैं या life sciences के student हैं तो आपको ये समझ में आता होगा organelle is what, कि एक cell है, उस cell के अंदर आपका mitochondria हो गया, nucleus हो गया, ये सब आपके different different units हैं जो कि उस cell को एक working position पर लेकर आते हैं. तो ये जो organelles हैं जिनको हम
इन छोटी छोटी यूनिट्स को ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अगर हमको इनके एक्टिविटी के बारे में जानना है तो हम किस बेस पे कर पाएंगे, किस बेस पे इसके कंट्रास्ट बिहेवियर को देख पाएंगे कि इनके अंदर केमिकल चेंजेस क्या क्या है। अगर हमें इन केमिकल चेंजेस को देखना है तो या तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ जाना पड़ेगा या फिर कोई ऐसी टेक्निक हो जो कि किसी पर्टिकुलर केमिकल के मिल के संग आपको एक कंट्रास्ट कलर देती हो जो कि आपको क्लियर बताए कि यहाँ पे परऑक्सीडेज है जिसकी वजह से लाइसोसोम डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डिहाइड्रोजेनेज है जो कि मुझे उसका कलर दे रहा है। तो यहाँ पे जो बायोकेमिकल एनालिसिस है उसको आप विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज कैसे करेंगे? विद द हेल्प माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर जो आप डाइज यूज कर रहे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डाई, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको विजुलाइज करने के लिए और उसके साइज को नैनोमीटर तक देखने के लिए हमको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि उसकी 1 यूनिट को 2 लाख यूनिट तक या 1500 यूनिट तक लेकर जाए। दैट मीन्स उसके मैग्निफिकेशन को लेके जाए। अब केवल मैग्निफिकेशन तक बात नहीं रुकती, जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हमको क्लियरेंस भी बहुत ज़रूरी है, हमको सेचुरेशन भी बहुत ज़रूरी है। वो सेचुरेशन और वो क्लियरेंस हमको रिजोल्यूशन में। तो जैसे जैसे आप माइक्रोस्कोपी टेक्निक में आगे जाते जाएंगे आपको ये समझ में आएगा कि माइक्रोस्कोप इज नथिंग अबाउट टू जस्ट स्कोप व्यू ऑफ एनीथिंग इन अ माइक्रो लेवल। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द माइक्रोस्कोप। कोई भी चीज को जब उसका व्यू हम माइक्रो लेवल पे देखें, दैट इज योर 10^-6। केवल वही नहीं है, अब माइक्रोस्कोप उससे भी बियॉन्ड जा चुका है, 10^-9 और उससे भी कम वो उस पर काम करने लगा है। तो ये उसका एक बायोकेमिकल एनालिसिस पर्पस है, क्योंकि बच्चों को इजीली समझ नहीं आती ये बात कि अगर माइक्रोस्कोप है तो उसका काम मैग्निफिकेशन का है या रिजोल्यूशन का है, तो वो बायोकेमिकली किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। अब जैसे आपके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है, उसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर द एग्जाम्पल टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज है, तो इसमें आपको इसमें दोनों ही डिसीज आपकी डायबिटीज कॉज करते हैं, पर दोनों का मोड डिफरेंट है। एक में आपका इंसुलिन फॉर्म हो रहा है पर सेल के ऊपर एक्टिव नहीं कर रहा, और एक में आपका इंसुलिन फॉर्म ही नहीं हो रहा। तो इन दोनों पाथ को आपने जाना कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एक्टिविटी ट्रैकर। आपने उसकी एक्टिविटी को ट्रैक किया है, उस ट्रैकिंग करेगा कौन? डाई करेगा, और डाई को पढ़ेगा कौन? माइक्रोस्कोप पढ़ेगा। तो दिस इज अ प्रोसेस एंड दैट इज इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ एनी टेक्नोलॉजी दैट यू यूज। Now the next one, evaluate the integrity of samples of an experiment to map the fine details of the spatial distribution of macromolecules within the cell. That means, जैसे कि मैंने भी आपको एक example बताया कि कोई भी आपका for example मैंने mollusca लिया, mollusca is a kind of a geological distribution in your categories in your kingdoms. तो वहां पर मैंने उसकी variety को चेक किया कि इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको इस किंगडम के अंदर ड्रॉप करती है। तो वहाँ पर उसकी कुछ रिफाइनमेंट होगा उसके मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो कि उसके लिए फिक्स होगा या फ्रीज होगा। तो उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, उसके सैंपल्स को इवैल्यूएट करने के लिए भी हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और यही इसका एक पर्पस भी शो करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग बायोकेमिकल इवेंट्स विद इन द लिविंग टिश्यू। एनालाइजिंग बायोकेमिकल इवेंट्स द सेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कैपेसिटी होती है उसको एनालाइज करना, एज वेल एज चिंपांजी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से कितने स्ट्रेंथ में काम कर रहा है, तो वो सब एनालिसिस है एट द बायोकेमिकल लेवल ऑफ एनी टू डाइवर्सिफाइड सैंपल्स, और जिनको हम कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ माइक्रोस्कोपी, और ये एक केवल आपके सामने जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये चीज़ें हम जैसे जैसे और डिटेलिंग पे जाएंगे आपको और क्लियर होती जाएंगी कि पर्टिकुलर टेक्निक किस तरीके से मेरे इस एग्जांपल पे सेट हो रही है। नाउ अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि माइक्रोस्कोप इज व्हाट व्हेन यू वांट टू बी व्यू एनीथिंग ऑन अ माइक्रो लेवल, दैट मीन्स 10^-6। तो यहाँ पर मैंने वो एब्रीवेशन दिए हुए हैं जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में आते हैं। So the 1 centimeter, that is a centimeter, and that is 10^-2. The same, centi, milli, micro, nano, angstrom. इसका पूरे measurements दिया हुआ है। आप यहाँ पे minus 2 और मतलब कि आप उतना गुना उसको कम करते जाइए, उस particular dot का उतना कम करते जाइए, उतना view आपको देता है कौन? Microscope देता है। Now the next,
अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स के ऊपर डिटेलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो द फर्स्ट वन इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, नॉट अ टू टाइप्स, हमें ये कहना चाहिए कि इवोल्यूशनरी पहले सिंपल थे और जो आज के टाइम में यूज हो रहे हैं दोज वन इज अ मॉडर्न वन, और वी कैन से इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज कंपाउंड वन। तो द सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली आर ऑफ वॉट, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि आपकी किसी एक पर्टिकुलर चीज को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, जो कि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने यूज किए थे, जिनकी वजह से सेल और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप, जो आज के टाइम में आपने देखे होंगे अपनी लैब्स के अंदर, और जो मैंने आपको कल या इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से बनता है, और उसका हर एक लेंस का अपना एक रोल होता है जो कि उस पर्टिकुलर इमेज में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ ग्लासेस की बात आती है या फिर ग्लास लेंस की बात आती है, तो वो कौन कौन से होते हैं? इन अ वेरी ब्रॉड टर्म, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। आपको अगर रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो तो हम यहाँ पर एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। कंडेंसर लेंस दैट मीन्स वॉट, समथिंग विच इज गोइंग टू बी कंडेंस, जो कि आपकी लाइट को कंडेंस कर रहा है, और कंडेंस करने का पर्पस क्या है कि उसकी वो लाइट की स्ट्रिंग जो है वो प्रॉपरली आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर गिरे। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस दैट मीन्स जो लेंस आपके ऑब्जेक्ट के पास है या फिर जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को कैप्चर कर रहे हैं। अल्टीमेटली वी विल सी विद द हेल्प आर आईज, तो आईज के पास जो लेंस होगा दैट इज योर आई पीस और कैन से ऑक्यूलर लेंस। नाउ द नेक्स्ट, तो दिस इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब आप इन लेंसेस को मिलाकर बात करते हैं तो इट बिकम्स वॉट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द सेम जो कि हमने इससे पहले देखा था, यहाँ पर मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पर हाँ क्योंकि मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तीन टर्म्स को यहाँ पे शो किया था, तो मैं केवल यहाँ पे उसकी पोजिशन दिखा देती हूँ आपको। This is your ocular one, this is your eyepiece, and this is your nose piece equipped by the objective lens. And now finally, this is your condenser. Here. Now, we will move towards what? To the microscopic basic working. Kis tarike se wo work karta hai, uska kya alignment hota hai. So, this is your microscope. एंड इन दिस माइक्रोस्कोप दिस इज योर लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही है। मैं यहाँ पर एक डॉट बना देती हूँ जिससे कि आपको ईजी होगा। यहाँ से हमने इसका पाथ डाइवर्ट किया और इट विल मूव टूवर्ड्स अपसाइड, और ये एक मैकेनिकल स्टेज है जहाँ पर भी आपका स्पेसिमेन रखा हुआ है। नाउ दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि नोज पीस के ऊपर अरेंज है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। 10x पे हैं, 40x पे हैं, 60x पे हैं और 100x पे हैं, वॉट एवर योर स्टेज, सॉरी उसको आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ अल्टीमेटली यू विल मूव टूवर्ड्स वॉट ऑन दिस वन, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। तो आप ये इसका एक काम करने का तरीका है। Light source focused at the specimen via condenser lens, via specimen focused to the objective lens and formed image viewed by the eyepiece. Now the next one, this is your types of compound light microscope stand. जैसे कि इससे पहले वाली लेक्चर स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स हैं, अब उसकी हम बात करते हैं इस वाले में कि किस तरीके से इनकी पोजिशन से भी माइक्रोस्कोप अलग अलग हो सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंड टाइप, लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप मे बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर अपराइट माइक्रोस्कोप एंड अनदर वन इज योर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो द व्हाट इज अपराइट माइक्रोस्कोप, अपराइट माइक्रोस्कोप इज व्हाट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द अपराइट माइक्रोस्कोप दैट मीन्स इट्स अ सिंपल माइक्रोस्कोप दैट नंबर ऑफ लैब्स इनेबल्ड इन इट। सो this is your objective lens and this is your objective lens and this is your IP. यहाँ पर जो आपका स्टेज पे स्पेसिमेन रखा हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। this is one your what? Upright position. And this is your inverted one. This is interesting. आपने एक ब्रांच का नाम सुना होगा, that is your animal tissue culture. Animal tissue culture having a different live samples study. क्योंकि वहाँ पर आप सेल को स्टडी करते हैं, तो जब आप सेल को स्टडी करते हैं तो अब आप उस सेल को फ्रीज आउट नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसकी लाइव एक्टिविटीज को सर्च करना है।
जब आप उसकी लाइव एक्टिविटीज को सर्च करना चाहते हैं तो एक आपके पास इस तरीके का माइक्रोस्कोप होना चाहिए जो कि उसको किसी भी तरीके से डैमेज ना करे, उसका लाइट सोर्स उसके ऊपर डायरेक्टली ना आए, और अगर डायरेक्टली आए भी तो आपके पास इतना हैंड मूवमेंट हो या फिर इतना स्पेस हो कि आपको कंस्ट्रिक्ट ना होना पड़े कि मेरे पास तो 1 mm या 2 mm का ही स्पेस है बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अ मैकेनिकल स्टेज। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूँ, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज योर मैकेनिकल स्टेज, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत छोटा सा गैप रहता है। लेकिन जब आप एनिमल टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कितना बड़ा स्पेस है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है बीच में, क्योंकि यहाँ पर आप पैट्री डिशेस को रख कर वहाँ पर आप व्यू करते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर आपने किसी भी तरीके से उसकी लाइफ सेल की पैट्री डिश को ओपन कर दिया तो योर सर्पस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली वैनिश्ड। सो फॉर दैट पर्पज यू नीड अ काइंड ऑफ अ माइक्रोस्कोप विच इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द सेम वे ऑफ माइक्रोस्कोप, बट इट इज नॉट अलाउड टू टच योर पैटर डिशेज और टू फ्रीज योर सैम्पल्स, और यू मस्ट हैव अ डेड सेल्स टू सी ऑन द मैकेनिकल स्टेज। सो फॉर दैट पर्पज यू नीड अ इन्वर्टेड लाइट माइक्रोस्कोप एंड दैट इज अ पर्पज फुलफिल्ड बाय दिस माइक्रोस्कोप। अब हम यहाँ पर इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। द लाइट सोर्स इज बिलो द कंडेंसर लेंस, दिस इज अ अपराइट वन एंड दिस इज अ रेगुलर वन। यू कैन इजीली स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू बी टेल यू अबाउट इन दैट अपराइट माइक्रोस्कोप पॉइंट्स। इंटरेस्टिंग वन इज अ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। सो इन दिस लाइट सोर्स एंड द कंडेंसर लेंस आर अबव द स्पेसिमेन स्टेज as you see in this one. Now the next one, objective lenses are beneath it. That means objective lenses are actually what are going to be downside. For example this one, yahan par aapko ye cheez nahi dikh rahi hai par aap objective lenses ko yahan se control kar sakte hain, uske strength ko kam karna hai zyada karna hai aap is position se kar sakte hain. It allows manipulation in the specimen directly on the stage. Jaisa ki maine aapko bola कि ये इस तरीके के प्रोसेसेस हैं जहाँ पर आपको लाइव सेल्स के संग कुछ परफॉर्मेंस करना हो या उनकी एक्टिविटी को, या फिर आप किसी आपने कुछ डाई डाला है उसकी डाई की प्रेजेंस में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, या कोई मेडिसिन डाला है उसकी क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको अगर आपको एनालाइज करना है यू नीड दैट टाइप ऑफ अ माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इंजेक्शन, आपने IVF सुना हो, आपने काफ़ी कुछ देखा होगा कि किस तरीके से IVF काम करता है। व्यू डेवलपमेंट एम्ब्रॉय ड्यूरिंग प्रोसेस, दैट मीन्स अगर आपको प्रोसेस में काम करना है या IVF में काम करना है तो आपको वहाँ पे एग्स या इन सब की चीज़ों को यूज करना होगा। फॉर दैट पर्पज यू नीड अ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इट इज मीन और प्रोड्यूसिंग द मैग्नीफाइड इमेज, जैसा कि हमने देखा, और यहाँ पर मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। सॉरी, तो दिस इज देर आर अ नंबर ऑफ लेंसेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। इसी के बेसिस पे आपके माइक्रोस्कोप की कॉस्ट का इफेक्ट आता है कि अगर वो जीज का है या फिर फ्लोराइड का है या फिर प्लान आपको क्रोमेट का है, इन सब चीज़ों के ऊपर ही आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज और आपके माइक्रोस्कोप की कॉस्ट इन्हेंस होती है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्टिव लेंसेज की डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर अपने माइक्रोस्कोप में इनेबल्ड कराते जाते हैं, उसका परफॉर्मेंस फ्रॉम लोअर एंड टू हायर एंड उतना ही इन्हेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा मैग्नीफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ हैविंग अ 4x, 10x, 20x, 40x, 3x एंड 100x। अब ये इक्विप कहाँ होते हैं? ऑन दैट प्लेस। ये आपको एक माइक्रोस्कोप के नोज पीस का एरिया है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज लगे हैं, और ये लेंसेज को आप सीधे देख सकते हैं कि ये आपकी इस स्लाइड के ऊपर व्यू कर रहा है। और यहाँ पे देखिए आप ये 10x लिखा हुआ, दैट इज एक्चुअली व्यूइंग कि हाँ ये पर्टिकुलर पोजीशन है। अब जैसे कि ये 5x है तो ये आपने आप सोचेंगे कि आपने तो मेंशन किया नहीं है 5x, यहाँ पे तो 4x मेंशन है। अब ये इस तरीके की वेराइटीज आपको चेंजेस मिलेंगे एज पर द टाइप ऑफ अ कंपनी और अ डीलर दैट यू सप्लाई, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स आप कॉलेज में हैं या पैथोलॉजी लैब में हैं, किस तरीके का आपका काम है उसके बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव लेंस किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर रिजोल्यूशन।
ये रिजोल्यूशन दैट मीन्स व्हाट, समथिंग इज गोइंग टू बी रिजोल्व इन द वे ऑफ अ इन अ डिस्टिंग्विश पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एरिया की, यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं मुझे इनको मैग्नीफाई करना है तो यहाँ पे ये जो गैप है ये मेरे को दिखना बहुत जरूरी है. अगर ये मुझे गैप नहीं दिखेगा तो मुझे लगेगा कि ये दोनों पॉइंट्स मर्ज हैं और ये केवल मैग्नीफाई होते जा रहे हैं. इट बिकम्स जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम. फॉर दैट पर्पज हमको रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ गैप है या नहीं. तो अगर आपका माइक्रोस्कोप गुड क्वालिटी का है तो आप उसका रिजोल्यूशन देखिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन देना तो आपके लेंसेज का पर्पस है ही. अगर आपका रिजोल्यूशन भी अच्छा है उसका तो आपको गुड क्वालिटी और नॉन ब्लर इमेज देखने के और मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. रिजोल्यूशन इज द व्हाट, रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दोज आर वेरी क्लोज टू. ठीक है, तो इस काम को करने के लिए एक इक्वेशन है जो कि दी गई थी अर्नेस्ट एब से बाय 1870s. दैट मींस इन 1870s ही गिवन दैट इक्वेशन. ही इज अ फिजिस्ट पर्सन बेसिकली. तो दैट एब इक्वेशन इज व्हाट इज एक्चुअली डी इक्वल्स टू 0.5 लैम्डा एंड साइन थीटा इन योर टर्म से. तो डी इज व्हाट द मिनिमल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज योर लैम्डा. That is a wavelength of a light. It's a simple view or simple method to know about this 10 points. Now the n sin theta is your numerical aperture of any lens. अब इनकी क्या importance है वो हम यहाँ पर देखते हैं. तो major factors क्या हैं resolution को समझाने के लिए. It's a wavelength of light. Wavelength of light that means अगर मैं इस equation को ही आपके सामने बताने की कोशिश करूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा. That is your d विच इज डिपेंडेंट ऑन अ लैम्डा, क्योंकि 0.5 जो पोजिशन है या फिर जो फिगर है दैट इज फिक्स इन नेचर. क्लियर. और ये आपका एक एंगल है जिस जो एंगल जिस एंगल की पर्टिकुलर एक लिमिटेशन होगी कि इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा वो नहीं हो सकता. तो बेसिकली ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपके उस पर्टिकुलर इमेज की या लेंस का रिजोल्यूशन पावर क्या होगा. सो द वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी शॉर्टर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. d is what it's a distance between two object. तो इसका जो अगर आपको d ज्यादा चाहिए तो मतलब आपको lambda ज्यादा देना होगा. clear. इसीलिए मैंने ये line को यहाँ पे लिखा हुआ है must be shorter than the distance between two object. that's why d is going to be upside. ठीक है. now the finest resolution may obtain with the light of shortest wavelength example blue light in a visible spectrum. क्योंकि उसका अगर आप विबग्योर में जाएंगे तो आप दोनों साइड में जा सकते हैं, पर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइट को कंसीडर करें हम, वहाँ पे वो ब्लू लाइट होती है जो कि उस रेंज के अंदर आती है. क्लियर. तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेकर ये वाली बात है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर न्यूमेरिकल अपर्चर. न्यूमेरिकल अपर्चर जो कि उसके डाउन में था दैट मीन्स इन स्लैश ऑफ योर इक्वेशन 0.5 लैम्डा. तो द न्यूमेरिकल अपर्चर इज योर एन साइन थीटा. थीटा इज वॉट इट्स अ हाफ एंगल ऑफ द कोण. अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा दिस इज योर थीटा, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज योर स्लाइड. क्लियर. ऑब्जेक्टिव लेंस और स्लाइड के बीच में ये जो डिस्टेंस है अगर आप इसका हाफ एंगल लेते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ थीटा. अगर आप जितना पास करते जाएंगे ये जो एंगल है ये उतना ही बढ़ता जाएगा. अगर एंगल आप बढ़ाते जाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा कि हाउ मच लाइट इज गोइंग टू बी एंटर इन योर थीटा, है ना. तो जितना आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा लाइट उसके अंदर एंटर होती जा रही है. तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ योर थीटा वर्किंग ओवर द लेंस ऑन रिजोल्यूशन. इस प्रोसेस को हम यहाँ से भी बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि आपकी लाइट रेस को कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि लाइट सोर्स नीचे से आ रहा है आपका. नाउ अब यहाँ से जो नीचे से आ रहा है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय योर स्पेसिमेन जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, उससे होकर वो लाइट आ रही है और वो कलेक्ट की जा रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर. तो ये सारी चीज़ें आपके रिजोल्यूशन में इम्पैक्ट डालती है. नाउ द नेक्स्ट वन कि किस तरीके से ये न्यूमेरिकल अपर्चर या एन साइन थीटा है वो इम्पैक्ट करता है इन सारे प्रोसेस को. वहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल अपर्चर को समझने के हम
दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. वन इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज नेम्ड एज एन एंड द साइन थीटा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो क्या है वो, लाइट विच एंटर्स इन अ लेंस दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट मीडियम विच इज इन साइड, दैट मीन्स बिटवीन द योर सैम्पल एज वेल एज योर ऑब्जेक्टिव लेंस डिस्टेंस इन विच द लेंस वर्क्स. ठीक है, साइन थीटा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज वन एंड साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, क्योंकि एयर के केस में वही सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमको मिल नहीं सकता. तो मैक्सिमम थीटा इज 90 एंड साइन 90 इज वन. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मैथमेटिकली पोर्शन पे जा रही हैं. ये मेरा आउटलुक है कि मैं आपको इतना डिटेलिंग में उसको लेके जा रही हूँ, पर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से आप इस चीज़ को कितना इम्पॉर्टेंट और कितना डिटेल में लेके जाना चाहते हैं और आपके सब्जेक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है. सो नो लेंस अदर देन एयर मीडियम कैन हैव अ न्यूमेरिकल एपर्चर ग्रेटर देन वन. क्लियर? अब ये इन दोनों डेफिनेशंस और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि एयर मीडियम को अगर लेते हैं तो न्यूमेरिकल एपर्चर आपका एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एयर का मैक्सिमम थीटा जो है साइन थीटा दैट इज एक्चुअली अ वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन, और वहाँ पर अगर हम उसका पर्टिकुलर एंगल सेट करते हैं 90 डिग्री पे तो हमको जो रेंज निकल कर आएगी इज योर वन. सो द हेंस हायर रिजोल्यूशन यू गॉट दैट मीन्स योर डी, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज देयर. क्लियर? सो द इमर्शन ऑयल यू नीड टू बी प्लेस ओवर देयर. अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं, अगर हमको एयर मीडियम को रिजॉल्व आउट करना है तो वहाँ पर हमको ऑयल चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि एयर उस चीज़ को डिस्पर्स कर रहा है. नाउ अब आप देख रहे होंगे कि ये स्पेसिमेन है और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो यहाँ पर अगर हम ऑयल इमर्शन यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम लाइट यहाँ से पास होके आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर कर रही है, जबकि एयर के केस में नहीं कर रही. और यही चीज़ हमको रिजॉल्व करती है कि हम जब 100x के ऊपर अपना काम करते हैं या स्पेसिमेन को देखते हैं तो वहाँ पर हमको इमर्शन ऑयल डालना होता है, और जो लैब्स के अंदर आपको इमर्शन ऑयल मिलता है दैट इज योर सिडार ऑयल, और जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट देता है एज इन द व्यूइंग ऑन 100x. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड अप टू द रिजोल्यूशन एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर 1 ऑफ माइक्रोस्कोपी इन डिटेल. थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इसी तरीके के और वीडियोस भी मैं इसमें लाती रहूँगी. तो थैंक यू.